कोरोना वायरस के चलते हमीरपुर जिला में भी चल रहे मेले उत्सवों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा के अनुसार कोरोना वायरस के दहशत के बाद एहतियात बरती जा रही है और इसी के चलते उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ द्योट सिद्ध मंदिर के कपाट को आगामी दिनों के लिए बंद किया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है कि बाबा बालकनाथ मंदिर के कपाट को इस तरह श्रद्धालुओं के लिए बंद किया जाएगा। कोरोना वायरस के चलते हमीरपुर जिला में भी चल रहे मेले उत्सवों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा के अनुसार कोरोना वायरस की दहशत के बाद एहतियात बरती जा रही है और इसी के चलते उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ द्योट सिद्ध मंदिर के कपाट को आगामी दिनों के लिए बंद किया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है कि बाबा बालकनाथ मंदिर के कपाट को इस तरह श्रद्धालुओं के लिए बंद किया जाएगा, क्योंकि चैत्र मास मेलों में 24 घंटे मंदिर के कपाट खुले रहते थे और लाखों की तादाद में श्रद्धालु मंदिर में बाबा के दरबार पहुंचते थे। लेकिन इस बार कोरोना वायरस की भेंट चढ़े चैत्र मास मेलों में श्रद्धालुओं को आने के लिए मनाही रहेगी। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते बाबा बालकनाथ मंदिर द्योट सिद्ध के मंदिर के कपाट को दोपहर 2 बजे के बाद बंद करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाबा के दरबार में कोरोना वायरस के बावजूद भी हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन ने अब यह सख्त फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि मेले में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ समेत विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। इसके लिए एहतियात के चलते मंदिर के कपाट को बंद करने का फैसला लिया गया है। हमीरपुर में हम लोग गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के बाद और जिस तरह से ये सभी जगह फैल रहे हैं, उसी को जो ध्यान में रखते हुए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर हम ले सकते हैं, हमने सर्विलेंस टीम गठित की है, डिजाइनेट की है डिफरेंट ऑफिशियल्स को। और उसके अलावा जो कोरोना इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट ने और जो डिफरेंट कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, वो IEC एक्टिविटी में किस तरह से इसके बचाव किए जा सकते हैं, गैदरिंग के रेस्पेक्ट में गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर हुए हैं, हमने भी यहाँ अपने ऑर्डर किए हैं कि जो जहाँ क्राउड जैसे स्कूल्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या सत्संग जागरण या इस तरह की चीज़ें एक्टिविटीज़ हो सकती है, उनको अवॉइड करें और इस पर टोटली बैन है। गैदरिंग के रेस्पेक्ट हम कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे जो 14 से बाबा बालकनाथ जी का जो चैत्र मास मेला चला हुआ था, उसमें हमने ऑफिशियली तो नहीं किया, बट श्रद्धालु इस महीने में आते हैं, ये मेले का टाइम है। तो इसमें भी आज मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद कल शाम के बाद में, क्योंकि श्रद्धालु आते हैं, तो आज दोपहर से हम इसमें टोटली मंदिर के कपाट बंद कर देंगे। यूजुअल रिचुअल्स चलते रहेंगे जो पूजा करती है मंदिर की टीम, बट लंगर और जो सारी चीज़ें हैं मंदिर में, वो हम लोग एज ए प्रिकॉशनरी गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद बंद कर रहे हैं। उपायुक्त हरकेश मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते सर्विलेंस टीम को गठित किया गया है, जो कि कोरोना वायरस पर पूरी नजर रख रही है। उन्होंने बताया कि लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक किया जा रहा है और लोगों को सत्संग भीड़ वाले स्थानों पर जाने से मनाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में भी बहुत ही जरूरी बैठकों को लिया जा रहा है, बाकी बैठकों को स्थगित किया गया है। सरकारी कार्यालय में भी डिपार्टमेंट्स को क्या किस तरह से हम लोग बहुत ही ज़रूरी मीटिंग हो या जैसे हमने भी मीटिंग्स थी तो उनको पोस्टपोन ही किया है, और मतलब 1-to-1 हम मोबाइल पे बात कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों को हम कर रहे हैं वैसे, बट वी आर अवॉइडिंग दी मोस्ट ऑफ द चीज।